सासाराम में दिन दहाड़े रेलवे कॉलोनी में सेल्समैन बनकर दो युवक घुसकर एक महिला से जबरन लूटकर भाग खड़े हुए। मामला रेलवे कॉलोनी का है। बताया जाता है कि सेल्समैन बनकर घर में दो व्यक्ति गए एवं पहले सामान खरीदने के लिए कहने लगे, फिर अचानक उनके गले का चेन हाथ तथा हाथ की अंगूठी लेकर भाग निकले। दोनों चोर बाइक पर सवार होकर आए थे। घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। महिला अपने दो बच्चों के साथ थी। वारदात के बाद महिला के साथ ये वारदात, उसका नाम गुड्डी बताया जाता है। उसके पति नंद कुमार सिंह रेलवे के संकेत विभाग के कार्यरत हैं। और अंगूठी छीन कर लेकर भाग गया था। कौन थे वो लोग? अब वो लोग हम पहचानते नहीं। क्या बोले आप? बोले कि हम पतंजलि का सामान का प्रचार करने आए हैं। और उसके साथ एक तारीख को उसका गाड़ी आने वाला है। 200 के सामान लेने पर ये पाउडर फ्री देगा, जिससे पीतल का बर्तन साफ होगा। तो हम सोचे कुछ बेच थोड़े रहे, हमको लेना थोड़े है, प्रचार करे देख लेते हैं। क्या नाम है आपका? बुद्धि कुमारी। कि वो व्यक्ति आए थे पतंजलि का सामान प्रोडक्ट देने के लिए, उसी को मतलब एडवर्टाइज के रूप में लोग से बोले कि आप पतंजलि का सामान यूज़ करते हैं। तो बोले हो कि नहीं हम नहीं यूज़ करते हैं। तो फिर वो लोग बताया कि नहीं हम लोग पीतल का बर्तन वगैरह से भी साफ करते हैं, सोना चांदी भी साफ करते हैं। उसी में इन्होंने पीतल का कुछ सामान ला के उनको दिया, वो साफ करके दिखाया। फिर इन्होंने अंगूठी दिया तो अंगूठी साफ कर दिया। और उसी में फिर चैन उसी में झांसा दे के चैन भी ले लिया, लेके चलते बना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। दो व्यक्ति